जिंदगी की इस दौड़ में हम कोरल रीफ की खतरनाक सच्चाई दिखाएंगे। दुनिया की सबसे रंग बिरंगी दिखने वाली जगहों में भी कोई जानलेवा जीव छिपा हो सकता है। ये शिकारियों से भरी दुनिया है। इस दुनिया में है बैराकुडा की जबरदस्त रफ्तार और सुई जैसे पहने दांत, और इस दुनिया में है आकार में बड़ी और अचानक हमला कर देने वाली मोरी ईल, जो एक बेहद खूबसूरत मछली है। यहाँ बड़े बड़े कांटों वाली लाइन फिश भी है, जो अपने शिकार में जानलेवा जहर छोड़ सकती है और जो पृथ्वी के सबसे जहरीले जीवों में से एक है और जो अक्सर बुरा समूह बनाए रहती है। और यहाँ पर समुद्र का सबसे बड़ा जानलेवा शिकारी भी है, जो कोई ऐसी वैसी शार्क नहीं बल्कि रीफ शार्क है। जब आप एक बार पानी के नीचे होने वाली लड़ाइयों के बारे में जान जाएंगे, तो फिर आप पानी के नीचे की दुनिया को फिर उसी नजर से नहीं देखेंगे। हमारे ग्रह में फैले सभी महासागरों और समुद्रों में ज्यादातर जीव तट के पास और कम गहरे पानी में रहते हैं। पानी में शिकार करने वाले ज्यादातर शिकारी इंसानों पर हमला नहीं करना चाहते, लेकिन हमने उनकी दुनिया में जाना चुन लिया है। एक भूखी शार्क को एक सर्फ बोर्ड किसी सी लाइन की तरह दिख सकती है, और कोई चमकदार गहना किसी मोरे ईल को किसी मछली जैसा दिख सकता है, और तैराक के तैरने की आवाज बगल से गुजरती बैराकूडा को किसी घायल जानवर जैसी लग सकती है। इस एपिसोड में हम खूबसूरत कोरल्स और ट्रॉपिकल फिश से आगे शिकारी और शिकार की पेचीदा दुनिया को करीब से देखेंगे। हम कोरल की खाड़ियों के राज उजागर करने के लिए गहराई में गोता लगाएंगे। हम समुद्र के शेर को करीब से देखेंगे और एक जानलेवा शिकारी के साथ साथ तैरेंगे, और 4 मीटर लंबी मोरे ईल के साथ समुद्र तल पर रेंगेंगे, पानी के नीचे मौजूद शिकारियों की रेस ऑफ लाइफ में। अंडरवाटर प्रेडेटर्स, बैराकुडा। ट्रॉपिकल समुद्र गर्म, साफ और शांत होता है, लेकिन इस चमकदार सतह के नीचे कुछ खतरनाक चल रहा है। कोरल रीफ की रंग बिरंगी मछलियां कुदरत के अजूबों में से एक हैं। ये शिकारी झुंड में शिकार करते हैं। ये साथ मिलकर छोटी मछलियों को उनकी दावत उड़ाने के लिए इकट्ठा कर लेते हैं। उनकी नजरें बहुत तेज और सटीक होती हैं। ये जिंदगी की आक्रामक दौड़ में अकेले दौड़ती हैं। वयस्क सिर्फ 2 मौकों पर ही साथ आते हैं, शिकार करने और मिलन करने के लिए। समुद्र के लंबे शरीर वाले शिकारी पूरी दुनिया के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल समुद्रों में रहते हैं। ये है बैराकुडा। इसका नाम ही ट्रॉपिक्स में रहने वाले लोगों के दिल में डर पैदा कर देता है। इनकी करीब 28 प्रजातियां हैं। बैराकुडा समुद्र की सतह के पास रहना पसंद करती हैं। ये अपना ज्यादातर वक्त छिपे रहकर शिकार का इंतजार करते हुए बिताती हैं। ये बड़ा नर छोटी मछलियों के लिए घात लगाए बैठा है। शिकार के लिए ये कैमोफ्लाश और जबरदस्त रफ्तार का सहारा लेता है। इसके सुई जैसे पहने दांतों में फंस जाने के बाद शिकार बच नहीं सकता। ये छोटी बैराकुडा एक अलग वजह से छिपी हुई है। ये शिकारी दुआ कर रही है कि यह खुद शिकार ना बन जाए, क्योंकि यहां घूम रही है एक बड़ी बैराकुडा। अगर मौका मिले तो एक बड़ी बैराकुडा किसी छोटी बैराकुडा को खाने में जरा भी नहीं हिचकेगी। ये मछली यहां एक खास मकसद से आई है। ये समुद्र में खास जगह की तलाश कर रही है, सफाई कराने की जगह। बैराकुडा की जबरदस्त भूख के बावजूद इसके जबड़ों के पास तैरती इन छोटी मछलियों को कोई खतरा नहीं है। बैराकुडा उन्हें नहीं खाएगी, क्योंकि वो इसकी मदद कर रही हैं। ये हैं क्लीनर रैस, और इनका काम है बैराकुडा पर लगे पैरासाइट्स और पुरानी खाल को खाना।
जोर से काटने के लिए इनके दांत पहने और उबड़ खाबड़ होते हैं। जब ये मछलियाँ छोटी होती हैं, ये तभी से शिकार करने के लिए तैयार हो जाती हैं। इस नन्ही मछली को कोई अंदाजा नहीं है कि यहाँ एक बड़ी मछली घूम रही है। यहाँ तक कि नन्ही बैराकूडा भी जबरदस्त रफ्तार से हमला कर सकती हैं, करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। लगता है इस छोटी मछली ने कुछ ज्यादा ही बड़ा शिकार पकड़ लिया है। बैराकूडास को अपने शिकार के दो टुकड़े करने के लिए जाना जाता है। अगर बैराकूडा को लगता है कि कोई इंसान एक लाश है तो वो एक निवाला खाने की कोशिश कर सकती है। इसलिए सुरक्षित रहने का राज है आगे बढ़ते रहना। अंडरवाटर प्रेडेटर्स, मोरे ईल। समुद्र का एक बड़ा शिकारी किसी मछली से ज्यादा किसी सांप की तरह नजर आता है। ये कई खूबसूरत रंगों के पैटर्न्स में मिलता है। इसके खतरनाक दिखने वाले चेहरे के बावजूद ये अपने आप में काफी शर्मीला जीव होता है। ये अपना ज्यादातर वक्त दरारों और गड्ढों में सुरक्षित रहकर बिताता है, लेकिन ये एक मांसाहारी है और बहुत कामयाब शिकारी भी। इसके दांत सुइयों की कतार जैसे होते हैं, जो कई पीढ़ियों में चिकनी मछलियों को पकड़ने के लिए विकसित हुए हैं। लेकिन ये पानी के नीचे की दुनिया का एक खूबसूरत जीव है। ये है मोरे ईल। ये मोरे ईल भी एक स्पा में आई है, ठीक बैराकूडा की तरह, और ये भी यहाँ सफाई कराने वाली जगह पर आकर अच्छे से अपनी सफाई कराना चाहती है। ये शर्मीली हो सकती है, मगर अक्सर ये शांत रहती है और बहुत उत्सुक भी। कई ईल्स पर दिखने वाले शानदार रंग और पैटर्न्स इसे अपने माहौल में मिलाने के लिए एकदम सही हैं। कोरल रीफ की उबड़ खाबड़ सतह और रंगों के बीच सबसे चटक रंगों वाली ईल को देख पाना मुश्किल है। ये नन्ही रैस दांतों के दूसरे सेट की सफाई कर रही है, जो ईल के मुंह के काफी अंदर हैं। ये दांत आगे आकर शिकार को पीछे मुंह में खींच सकते हैं। ये काम खतरनाक लगता है, लेकिन रैस पर हमला नहीं होगा। ये वयस्क ईल खाना ढूंढने के लिए रीफ और चट्टानों के आसपास तलाश कर रही है। इसकी नजरें बहुत कमजोर हैं, तो खाना ढूंढने के लिए ये अपनी सूंघने की काबिलियत पर निर्भर करती है। ये बड़ी ईल शिकार करने निकली है। हमला बिजली की रफ्तार से होता है। अगर हम इस हमले को गौर से देखें तो ये जानना आसान है कि इसके पैने दांत कैसे चिकनी मछली पर पकड़ बनाते हैं। ये शानदार जीव सिर्फ पानी के माहिर शिकारी ही नहीं है, बल्कि समुद्र में चलने वाली रेस ऑफ लाइफ के शालीन और शानदार विजेता हैं। अंडरवाटर प्रेडेटर्स, लाइन फिश। कोरल रीव्स समुद्र के अमेज़न की तरह है, जिससे पता चलता है कि क्यों ये दुनिया के सबसे तेजी से घुसपैठ करने वाले जीवों में से एक का ठिकाना है। ये जीव एक मछली है और ये बाकी मछलियों से बहुत अलग है। इसके पास चटक रंग और शानदार फिन्स हैं, लेकिन उनमें छिपे होते हैं बड़े बड़े कांटे जो जहर डाल सकते हैं। ये मछली जिंदगी की दौड़ में इसलिए जीत जाती है क्योंकि शायद कोई भी इसे खाने की कोशिश नहीं करता। ये बहुत तेजी से पूरी दुनिया की रीव्स में फैल गई है। इन धारीदार घुसपैठियों ने सिर्फ 10 सालों में अटलांटिक महासागर के अमेरिकन तट के आसपास कब्जा जमा लिया है। इनके रंग रूप से अलग
इनके स्वाद को हल्का मीठा और बढ़िया बताया गया है। ये अजीब सी दिखने वाली मछली स्ट्रॉबेरी जितनी छोटी और तरबूज जितनी बड़ी हो सकती है। कोई हैरानी की बात नहीं है कि इन मछलियों को कई नाम दिए गए हैं, जैसे ज़ेब्रा फिश, टर्की फिश, बटरफ्लाई कॉड। मगर जिस नाम से ज्यादातर लोग इसे बुलाते हैं वो दिखाता है कि क्यों ये मछली ट्रॉपिक्स पर राज करती हैं। ये एक शिकारी है जिसका लगभग कोई शिकार नहीं करता। ज्यादातर जानवर उससे सुरक्षित दूरी बनाए रहते हैं। ये है लाइन फिश। ये काले सफेद रंग की या नारंगी, लाल और चटक गुलाबी रंगों की भी हो सकती हैं। इनके चटक रंग बाकी जीवों को चेतावनी देते हैं कि ये जहरीली हैं। अपने चटक रंगों के बावजूद नारंगी रंग की ये फिश कोरल्स में आसानी से छिप गई है। ये रीफ में घूमने के लिए अपने फिन्स का इस्तेमाल कर रही है। ये शिकार का पीछा कर रही है। लाइन फिश की परछाई भी सभी के लिए एक चेतावनी है, लेकिन सभी छोटी मछलियां शायद इसे देख नहीं पाईं, और ये वक्त रहते हमला कर देगी। लाइन फिश 15 साल तक जीती हैं, अगर कोई पहले इनका ही शिकार ना कर ले तो। लेकिन इनके शानदार हथियारों की वजह से रेस ऑफ लाइफ में ये बहुत लंबे वक्त तक टिकी रहती हैं। अंडर वाटर प्रेडिटर्स, स्टोन फिश। इन घाटियों में रहने वाला एक जीव जिंदगी की अदृश्य दौड़ लगा रहा है। कोरल रीफ में मिलने वाले अजीब आकार के जीवों में एक जीव ऐसा भी है जो कोई जीव लगता ही नहीं है, और उसके पास दुनिया का सबसे खतरनाक जहर है। जब हम करीब जाएंगे तो शायद उसकी आकृति नजर आने लगे। इसका कमाल का कैमोफ्लाज इसे समुद्र के सबसे माहिर शिकारियों में से एक बनाता है। मछली है, एक मछली जो खुद को किसी पत्थर जैसा दिखाती है। यह है स्टोन फिश। स्टोन फिश के डोर्सल फिन्स में 13 कांटे होते हैं। ये जो जहर छोड़ते हैं वो इंसानों के लिए भी जानलेवा हो सकता है। स्टोन फिश की 5 प्रजातियां होती हैं और सभी ट्रॉपिक्स में रहती हैं। ये इंसानों पर हमला नहीं करती, लेकिन जब ये रेत में दबी होती हैं, तो ये किसी फंदे की तरह बन जाती हैं। रीफ में घूमने वाले और पैडल करने वाले कई लोग गलती से स्टोन फिश पर पैर रख देते हैं। स्टोन फिश अपने माहौल में घुल मिल जाने के लिए टेक्सचर और आकार के साथ साथ रंग का सहारा भी लेती हैं। नजर आता है तो सिर्फ इनका डरावना मुंह। सभी स्टोन फिश भूरे या सलेटी रंग के नहीं होते, कुछ के पास चटकीले रंग भी होते हैं। स्टोन फिश का जहर उसके हर एक कांटे के नीचे जमा होता है। हमला होने पर यह जहर तुरंत कांटों में पहुंच जाता है और उसे हमलावर में डाल दिया जाता है। स्टोन फिश की 5 प्रजातियां होती हैं। ये सभी अपने फिन्स पर चल सकती हैं और इन सभी को छोटी मछलियां खाना पसंद है। इस मादा ने तय किया है कि इसके इलाके में शिकार खत्म हो गया है, तो ये एक नए इलाके की तलाश में निकली है। छोटी मछलियां स्टोन फिश के लिए आसान शिकार होती हैं, लेकिन उनसे उसका पेट नहीं भरता। इस मछली को नीचे मौजूद खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं है। स्टोन फिश को इस दौड़ को जीतने के लिए सब्र चाहिए, और अगर मछली को आज जिंदगी की दौड़ में जीतना है तो उसे बेहतर याददाश्त चाहिए होगी। आखिरकार इसने पकड़ लिया। अब ये स्टोन फिश पत्थरों पर आराम फरमाते हुए अपने खाने को हजम करेगी।
underwater predators, reef shark. पानी के इस शानदार शिकारी के पास जाया जा सकता है। इसे गहराई का खामोश शिकारी भी कहा जाता है। इसकी परछाई ही हर तैराक के दिल में खौफ पैदा कर देती है, चाहे वो जानवर हो या फिर इंसान। और कभी कभी ये इतनी बुरी भी नहीं होती जितनी लगती है। इसके बाकी रिश्तेदार रीफ के गर्म पानी से दूर रहना पसंद करते हैं। हाँ, ये एक शार्क है, लेकिन ये ठंडे पानी की शार्क्स जितनी बदनाम नहीं है जैसे बुल या ग्रेट व्हाइट शार्क्स। ये उतनी बड़ी भी नहीं है और ना ही इसकी भूख उतनी ज्यादा है। ठंडे पानी में रहने वाले अपने रिश्तेदारों से अलग ये अक्सर बड़े झुंडों में रहती है, मगर इसके पास भी बाकी शार्क्स की तरह तेज रफ्तार से शिकार करने की काबिलियत है। रीफ में घूमती छोटी मछलियों के झुंड इन शानदार शिकारियों के खाना खाने की मनपसंद चीजें हैं। ये कभी कभी मछलियों को इकट्ठा करने के लिए साथ मिलकर काम करती हैं। इनके पास पैने दांत और सूंघने की कमाल की काबिलियत होती है, और जब आस पास बहुत सारा खाना होता है तो जैसे जश्न का माहौल होता है। ये तेज रफ्तार शिकारी रेस ऑफ लाइफ में जीतने के लिए ही बनी है। ये है रीफ शार्क। रीफ शार्क्स ठंडे पानी में रहने वाली शार्क्स से छोटी होती हैं और शायद ही कभी लगभग 1.5 मीटर से ज्यादा लंबी होती हैं। मलेट या वाइटिन के एक झुंड ने शायद इन शार्क्स को आकर्षित किया है। इनकी इतनी बड़ी संख्या ही शार्क्स को रेस ऑफ लाइफ जीतने में मदद करती है। ये किनारे के पास मछलियों को इकट्ठा करने के लिए साथ मिलकर काम करती हैं, और तब इनसे कोई बच नहीं सकता। ये ब्लैक टिप्स शार्क्स एक साथ ही तलाशने के लिए इकट्ठी हुई हैं। मादाएं एस के आकार में तैरती हैं, ये दिखाने के लिए कि वो नर से मिलने के लिए तैयार हैं। ज्यादातर रीफ शार्क्स अपने इलाके को लेकर आक्रामक नहीं होती, लेकिन इनका अपना इलाका होता है और ये उसके पास कई सालों तक रहती हैं। रीफ की मछलियां खतरे में हैं। शार्क्स उन्हें कोरल्स के पास इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हैं। ट्रॉपिकल फिश रेस ऑफ लाइफ में शार्क से जीतने के लिए अजीबोगरीब तरीके से तैरती है और अपने रंगों का भी सहारा लेती है, लेकिन शार्क्स भी बहुत रफ्तार से तैर सकती हैं। ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए तेजी से तैर और मुड़ सकती हैं। कोरल की सतह के नीचे क्रस्टेशियंस की एक बस्ती ने शार्क्स का ध्यान खींच लिया है। उससे और मछलियां भी आकर्षित हुई हैं। ये रीफ शार्क्स के लिए एक शानदार दावत है। कुछ शार्क्स तो इतनी खुश हैं कि वो अपने थूथन का इस्तेमाल और गहरा खोदने के लिए करती हैं। एक शार्क को किसी और का बचा हुआ शिकार मिल गया है। रीफ फिश को शार्क्स के साथ रहने की आदत हो गई है। ये सोचकर हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक तरह का खेल है। ये अकेली शार्क शिकार करने के लिए दिन के सबसे अच्छे वक्त का इंतजार कर रही है, शाम का, जब परछाइयां लंबी हो जाती हैं और शार्क्स काली चट्टानों के सामने नजर नहीं आती। वो तुरंत गोता लगाती है और शिकार पकड़ लेती है। मांस का स्वाद शार्क्स को जोश दिला देता है। अब यहां सैकड़ों ब्लैक टिप शार्क्स हैं, जो इस हलचल की वजह से कई मील दूर से यहां आ पहुंची हैं। यहां मौजूद गड्ढे और दरारें शिकार के छिपने के लिए अच्छी जगह हैं। श्रिम्प्स, स्नेक्स और मछलियां सब इन गहरी दरारों में चले जाते हैं। ये बिग आय गलत वक्त पर गलत जगह पहुंच गई है। ये सभी चुनौतियों के खिलाफ रेस ऑफ लाइफ लगा रही है।
ये काफी फुर्तीली है, लेकिन रीफ शार्क्स की फुर्ती भी कुछ कम नहीं। बिग आई की दौड़ आज खत्म हो गई। खाने के लिए इस तरह का जुनून सिर्फ जिंदगी की दौड़ ही नहीं है, रीफ शार्क के लिए ये टीम के साथ खेला जाने वाला एक खेल है, और ऐसी रातों में रीफ शार्क्स जीत जाती हैं। पानी में शिकार करने वाले शिकारियों ने जिंदा रहने और शिकार करने के लिए बहुत कुछ किया है। रीफ में रहने वाली मछलियों को बैराकुडा से बचने और मोरे ईल की गुफाओं के पास जिंदा बचे रहने के लिए तेज रफ्तार का होना होगा। भले ही रीफ की गजब की खूबसूरती इन पर घात लगाती हो, जैसे कोई लाइन फिश या फिर कोई स्टोन फिश जो इन्हें अपने मुंह में खींच सकती है, पर इन मछलियों को हर पल शिकारियों की सेना के खिलाफ रेस ऑफ लाइफ में ऐसे ही दौड़ते रहना होगा।